नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 10 वर्सेस Realme 9i का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Infinix Note 10 में 6.82 इंच जबकि 9i में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Infinix Note 10 से कम है। विड्थ की बात करें तो Infinix Note 10 में 3.1 इंच जबकि 9i में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Infinix Note 10 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Infinix Note 10 में 0.35 इंच जबकि 9i में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Infinix Note 10 में 205.5 ग्राम जबकि 9i में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Infinix Note 10 में 20:5:9 जबकि 9i में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Infinix Note 10 में 6.95 इंचेस जबकि 9i में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Infinix Note 10 में 1080x2460 और 9i में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Infinix Note 10 में 84.28% जबकि 9i में 84.51% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Infinix Note 10 में 387 पिक्सल प्रति इंच जबकि 9i में 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Infinix Note 10 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 9i की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Infinix Note 10 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9i की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Infinix Note 10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9i में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Infinix Note 10 में Mali G52 MC2 जबकि 9i में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Infinix Note 10 में MediaTek Helio G85 और 9i में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Infinix Note 10 में अप टू 256GB जबकि 9i में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Infinix Note 10 में 3 कलर्स जबकि 9i में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Infinix Note 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9i की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स नोट 10 में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी 9i की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 9i आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco C3 है, दूसरा Tecno Spark 6 Air है, तीसरा Oppo A12 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y12s है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।